नमस्कार दोस्तों, करेंसी फ्यूचर इंट्राडे एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि करेंसी फ्यूचर का कैसे मूवमेंट हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे, उसका एक एनालिसिस का प्रयास इस वीडियो के थ्रू से हम करने का कोशिश करेंगे। ये है आपका यूएसडी आईएनआर दिसंबर फ्यूचर, जो अभी है 82.37 में। कल हमने जो देखा था कि दिसंबर फ्यूचर ओपन हुआ था आपका 82.66 में, हाई आपका ये मारा था 82.83 तक। उसके बाद सेल ऑफ हमने देखा यहाँ पे एंड फाइनली क्लोज एट 82.55। आज दोबारा ये गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप डाउन आपका 42.47 पे आया था, करेंटली इट इज एट 42.38। अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे, इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। जब तक ये रेजिस्टेंस 60 पे लेता है तब तक बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। उसका कारण क्या है, आप अगर वीकली में, अच्छा ये आपका दिसंबर फ्यूचर का वीकली जो है चार्ट, यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये रोल ओवर नहीं आता है। तो बट उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अपना जो नॉर्मल स्पॉट प्राइस है उसमें जाने का प्रयास करेंगे। ये है आपका डॉलर रुपी स्पॉट प्राइस, और हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे ये आपका था डॉलर रुपी का दिसंबर करेंसी फ्यूचर। तो ये यहाँ पे आप देखोगे वीकली पे जो स्पॉट है इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 60, मंथली अबव 60 एंड डेली यहाँ पे होवरिंग अराउंड 60। हालांकि फ्यूचर्स में इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। थोड़ा सा स्पॉट वर्सेस फ्यूचर का प्राइसिंग का जो चार्ट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर स्पॉट का देखेंगे तो यहाँ पे काफी बुलिशनेस बरकरार है। सो दैट बीइंग द केस, हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए डॉलर रुपये में। तो वापस वापस आते हैं करेंसी फ्यूचर एनालिसिस पे। आप देखोगे पहले प्राइस जो था 11th नवंबर एंड 12th नवंबर में आउटसाइड बोलिंजर बैंड था, एंड आपका यहाँ पे 2nd दिसंबर एंड 1st दिसंबर 2nd दिसंबर में ये इनसाइड द बोलिंजर बैंड, यहाँ पे वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस था, बिकॉज ऑफ व्हिच ये आपका नेकलाइन के ऑफ शूट करके ऊपर चला गया है। दैट मीन द केस, यहाँ पे एक हमारा टारगेट लेफ्ट आउट है जो ऊपर साइड में आपका जाना चाहिए यहाँ तक, दैट इज 83.10 तक ऑन फ्यूचर करेंसी फ्यूचर। सो अगर इसको जाना है तो इसको क्या ये समथिंग लाइक दिस सपोर्ट लेके फिर वापस जाता है या नहीं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। इस टाइप का अगर सपोर्ट यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था दैट इज 82.15, 82.20 के आसपास सपोर्ट लेके क्या ऊपर जाता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है इन सच ए केस वी में एक्सपेक्ट 83.14 हियर। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर पे। जीबीपी आईएनआर दिसंबर फ्यूचर जो अभी है 100.35 पे, आप अगर डेली प्राइस देखोगे तो ये अबव 60 पे है जीबीपी आईएनआर, बट आवरली जो है वो 60 पे रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। ये अगर आज के दिन या कल के दिन एक नेगेटिव कैंडल बनाता है समथिंग लाइक दिस, और आपका इस लो के नीचे क्लोज दे देता है, तो थोड़ा हम सेल ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ करके थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इस टाइप का एक नेगेटिव, एक या एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो तीन मल्टीपल कैंडल्स का अगर नेगेटिविटी बनता है, उसका कारण क्या है, बिकॉज डे आवरली आरएसआई इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। अगर इस टाइप का कैंडल नहीं बना के उसका उल्टा हो जाता है, एक आपका इस टाइप का कैंडल बन जाता है एंड इसके हाई के ऊपर तोड़ देता है, इन सच ए केस आरएसआई जो है ये 60 के ऊपर चला जाएगा। एंड
जीबीपीआईआर का प्राइस एक्शंस ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी हम यूरो आईएनआर का प्राइस देखने का कोशिश करेंगे। यूरो आईएनआर अभी है आपका 86.56, डेली पे जो आपका आरएसआई है अबव 60 है एंड मार्केट पूरा बुलिश में है, बुलिश मोड में है। एंड आपका जो आवरली है इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। सो यहाँ पर भी वही हाल है, अगर इस लो के नीचे आवरली बेसिस में क्लोज दे देता है आज के दिन या कल, देन इन सच ए केस यूरो आईएनआर का थोड़ा सा हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं समय रियर, ये कौन सा है 85.70 के आसपास यूरो आईएनआर दिसंबर फ्यूचर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका यूरो आईएनआर पे। और उसका ठीक उल्टा अगर ऊपर की तरफ बरकरार रहता है, ये नेगेटिव कैंडल नहीं बना के ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है इस टाइप का, एंड आरएसआई आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहे फिर ऊपर चला जाता है इन सच ए सिनेरियो, ये फिर दोबारा जो आपका इमीडिएट हाई है 86.86 के आसपास उसको टेस्ट करने का प्रयास करेगा। अभी आते हैं जेपीवाई आईएनआर पे। जेपीवाई आईएनआर अभी है 60.23 पे। अब देखो ये डेली बेसिस में ये 60 के आसपास होवर अराउंड कर रहा है, बट प्राइस एक्शन अगर डेली में देखोगे तो ये करेंटली इट इज मेकिंग हायर हाई हायर लो। दैट बीइंग द केस यहाँ पे और भी बाय डिप्स हम कर सकते हैं बाय सीइंग दिस मूवमेंट। और आपका आवर्ली में अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। सो हमें इंतजार रहेगा कि ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने के लिए, जैसे ही ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट करेगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, हम एक यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी फ्यूचर इंट्राडे एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा बहुत मेरा पर्सपेक्टिव किस तरह से हम मैं मार्केट को देखने का प्रयास करता हूँ उसका एक प्रेजेंटेशन से, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।